नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KG ग्रुप के अंदर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम करंट अफेयर की क्लास चला रहे हैं और आज हम करने वाले हैं जुलाई मंथ की करंट अफेयर। और इससे अगली वीडियो में आप देखोगे कि अगस्त की और उससे आगे सितंबर और फिर अक्टूबर की, इसी प्रकार हम अलग अलग मंथ की जो है करंट अफेयर लेकर आएंगे आपके लिए। क्योंकि फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी हरियाणा पुलिस मेल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है ये, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर एक। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी उसका CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? श्याम श्रीनिवासन को किया गया। प्रश्न नंबर दो है कि किसने इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा पंचवर्षीय कार्यकाल जीता है? तो किसने जीता है भाई? अभी अहमद ने जीता है। प्रश्न नंबर तीन है कि भारत के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आषाढ़ी बीज किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? आपके गुजरात के अंदर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर चार है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि वह 2023 में अपने वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर को लॉन्च करेगी? तो किसने घोषणा की है भाई? नासा ने। नासा ये क्या है कि ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है। तो प्रश्न नंबर पाँच की ओर चलते हैं, क्या है कि लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ स्थित होने का प्रस्ताव है? कि लेमरू जो हाथी रिजर्व है वो कहाँ स्थित होने का प्रस्ताव है? छत्तीसगढ़ के अंदर। प्रश्न नंबर छः देखिए, भारत और किस देश ने 2030 रोड मैप अपनाया है और वित्तीय बाजार संवाद की अपनी उद्घाटन बैठक आयोजित की है? तो किसने किस देश के साथ की है भाई? UK, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सात देखिए, किस संगठन ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम पर मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ब्लू ओरिजिन लाइसेंस को मंजूरी दी है? तो किसने दी है भाई मंजूरी? किस संगठन ने? संघीय विमानन प्रशासन ने दी है भाई। पांचवीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लगातार पाँच बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेपाल के कौन है भाई? शेर बहादुर देउबा। प्रश्न नंबर नौ देखिए कि वर्ष 2021 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने किस तारीख को 83वां स्थापना दिवस मनाया है? यानी 2021 में जो CRPF है उसने किस तारीख को 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस तारीख को? 27 जुलाई को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि 6 जुलाई 2021 को झेजियांग प्रांत के साथ फिलीपींस और ताइवान में मनीला को नुकसान पहुंचाने के बाद कौन सा तूफान शंघाई चीन से टकराया है? तो कौन सा तूफान टकराया भाई? इन्फा। अगला देखिए, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार 2019 में तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यात और चौथा सबसे बड़ा आयातक रहा है? तो कौन सा देश रहा है भाई? भारत। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मैंग्रो पारितंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? 26 जुलाई को। प्रश्न नंबर 13 है कि किस राज्य ने MyGOV मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 26 जुलाई 2021 को 13 वर्षीय किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में महिलाओं की स्ट्रीट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है भाई? मोमीजी निशिया ने जीता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 25 जुलाई 2021 को रेक लिमिटेड ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने मनाया है भाई? रेक लिमिटेड ने। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यूनेस्को ने
कोसेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को विश्व विरासत का दर्जा दिया है। यह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? ये स्पेन के अंदर है भाई ये। और स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ पर अखबार कपड़े पर छपता है भाई। प्रश्न नंबर 17, PDS-70 नामक एक छोटे तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी है? एक तारा है भाई PDS-70, तो उसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से? 370 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है भाई। यूरोपा क्लिपर मिशन किस संगठन द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय मिशन है? तो किसके द्वारा है भाई? नासा। नासा आप सभी को पीछे ही बताया गया है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये। प्रश्न नंबर 19, संसद ने किस दिन किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संबंधी विधेयक या संशोधक विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? कब दी है भाई? 28 जुलाई 2021 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? यानी किसने किसने जीता है भाई? वंतिका अग्रवाल ने जीता है। क्या जीता है? राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है भाई। प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय बाल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जुलाई। ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की बात हो रही है भाई यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है? तो कौन सा है भाई? इंदौर। प्रश्न नंबर 23 है, कौन 4x7 पीने के लिए सुरक्षित नल के जल की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कौन सा बन गया है भाई? पुरी। प्रश्न नंबर 24 देखिए, किस राज्य ने आयुष आधारित उन्नयन योजना देवरण्य योजना की घोषणा की है? किसने की है भाई? आपका मध्य प्रदेश रहेगा। प्रश्न नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ नंबर 101 स्क्वाड्रन में औपचारिक रूप से जेट शामिल करके अपने दूसरे राफेल लड़ाकू स्क्वाड्रन का संचालन किया? तो कहाँ भाई? वायुसेना स्टेशन हाशिमारा के अंदर किया है। दोस्तों, इसी प्रकार की करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी इसी वीडियो को लाइक करें, हर प्लेलिस्ट को चेक करें कि क्या कुछ करंट अफेयर और बनती है या और कुछ वीडियो जो आ रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सभी में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ सभी का